राइट साइड में जैसे आप मुड़ोगे तो ये सुपर आपका रास्ता देखने को मिल जाएगा आपको सीधे उसी रोड। इधर फिलहाल जो है बीबी आसिया बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। सेंटर काफी अच्छा जगह पे आया यार, मतलब आसपास पूरा एकदम खेत ही खेत है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का सीन कुछ इस तरीके का है यार कि जेएनएल कॉलेज का जो सेंटर चला गया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, वो सभी चला गया है बीबी आशा बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो अभी फिलहाल उसी तरफ जाने का इरादा बनाया, सोच रहा हूँ कि थोड़ा रूट आप लोगों को दिखा दूं, थोड़ा उधर जाकर के घूम फिर भी लूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तो अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 12:23 हो गया आई थिंक, आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है। और मैं और अभी हसन भाई भी आने वाले हैं, तो दोनों जने अपने जाने वाले हैं ठीक है उस तरफ। तो अभी फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से, तो अभी फिलहाल बस निकल लेते हैं। अभी फिलहाल हमारे जो है हसन भाई आ चुके हैं, बाइक कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बैग इसके अंदर पानी वानी है, स्वेटर वगैरह है, थोड़ा चल हम लोग अभी फिर निकल चले हैं। आप इधर देखिए, आप टांग लीजिए ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए। इधर से रास्ता है या फिर वहीं सब जाना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं फिलहाल ईसोपुर जा रहे हैं हम लोग ठीक है ना। ईसोपुर जाने का रास्ता ये है कि आप थाना से जस्ट आगे बढ़ोगे तो आपको एक राइट साइड की तरफ जो है ना आपको एक रूट मिलता है जो कि आपको सीधे ईसोपुर लेकर के चला जाता है। करवला का रूट मिलता है लेकिन हम वहीं से रूट लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहेगा ठीक है ना। थाना पर आओ, थाना पर से आप जो है रूट जा सकते हो राइट तरफ, थोड़ा सा थाना से आगे जैसे बढ़ोगे मार्केट की तरफ राइट साइड में जैसे आप मुड़ोगे तो ये सुपर आपका रास्ता देखने को मिल जाएगा, आपको सीधे उसी रूट में निकल जाना है। बाकी जो होता है मैं भी दिखाता हूँ क्योंकि मैं भी देखा नहीं, हमारे हसन भाई देखे हुए हैं तो अलग बात है। फिलहाल ईसोपुर पहुंच चुके हैं और अगर आप थाना की तरफ से आओगे तो इस साइड से आप निकलोगे ठीक है, जो कि आप उस तरफ से देख रहे हो, और यहां से हम लोग को इस साइड में सीधे एकदम निकल जाना है। इसी थाना की तरफ आप आ सकते हैं, यहां से आप आओगे तो ये मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी सामने में। लोकेशन याद रखने के लिए ज्यादा सही रहता है। जैसे ही आप सीधे आओगे मस्जिद से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, एक इस साइड जाएगा तो आपको राइट की तरफ मुड़ना है सीधे ठीक है, फिर उसके बाद ये रूट पकड़ के डायरेक्ट सीधे एकदम जाना है ना हसन भाई? हाँ, इस रूट को पकड़ करके आप देख लो, AK एंटरप्राइजेस है, जैसे ही आप मुड़ोगे सामने भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाटर पार्क है और ठीक इसी के अपोजिट साइड में जो है बीबी आसिया बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसमें चले जाना है ठीक है, और ये रहा आपको कॉलेज बीबी आसिया बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ठीक है। तो कुछ रास्ता इस तरीके का है जो अभी हम लोग उछल रहे हैं बाइक के ऊपर, और बस यही सीधा रहा आपका बीबी आसिया बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और पीछे के साइड में आपका जस्ट वाटर पार्क आपको नजर आ रहा होगा ठीक है। हाँ सामने ही है, और सामने तो अभी हमारा कॉलेज है ना ठीक है, तो ये बढ़िया है। और हम लोग आगे चले गए थे, वो जो आगे इमैनुअल है क्या, इमैनुअल पब्लिक स्कूल, हम लोग वहाँ आगे चले गए थे, तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है। इधर फिलहाल जो है बीबी आसिया बेगम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ठीक है, और कुछ इस तरीके का कॉलेज है। आगे चलिए हसन भाई ठीक है ना, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी और आगे चलिए। और इसका आई थिंक इसके बगल में जो है पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है इसका मेरे को जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अलग ही अलग होगा
ठीक है ना, ये बीबी आसिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, और ये जो है आपका पाटलिपुत्र टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के गेट के पास हूँ, और यहाँ से ठीक आपको लेफ्ट के साइड में आपको ठीक आपको वाटर पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपका एग्जाम बढ़िया होता है तो यहाँ पर आप उछल उछल के डुबकी लगा सकते हो, कोई सा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर काफी अच्छा जगह पे आया यार, मतलब आसपास पूरा एकदम खेत ही खेत है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी खाने पीने का सामान, यहाँ तक पानी भी आप लोग लेकर के आओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो आसपास में एक ठेला तक नजर नहीं आएगा, तो इस तरफ नहीं है, और जो है आपको आराम से यहाँ पर आपको वातावरण काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब आराम से आए अपना बैठे खेतों की तरफ भी आप अपना आराम से वेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का एरिया आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि वातावरण जब सही है, शांति माहौल है, कोई टीपें की आवाज़ नहीं आएगी आपको, ठीक है, आराम से शांति से अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का माहौल रहा। और अब क्या ही बोलूँ, हाँ, लेकिन खाने पीने का सामान और साथ में पानी बोतल वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह भूलना मत, ये सब कुछ अपने साथ में लेकर के आना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों को चलना चाहिए हसन भाई, ठीक है ना, तो बस फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर की तरफ। देख लो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग हसन भाई के गाँव में जा रहे हैं, और यहाँ पर इस साइड में जो है देख सकते हो तालाब है और मंदिर, यहाँ पर छठवट वगैरह होता होगा ना, किधर चल रहा है आप सीधे, इधर जिस तरफ से आसानी हो उस तरफ से चलेंगे हम लोग, और अभी फिलहाल हसन भाई के गांव में जा करके नमाज़ पढ़ेंगे जोर की, उसके बाद फिर काफ़ी सही लग रहा है, तालाब गहरी है ना। तो जैसा कि फातिमा कॉलेज और ये हमारा स्कूल जिसमें हम बचपन में पढ़ाई करते थे, इस वाले इधर इधर पुलिस वाले अंकल देख रहे थे कि बंदे लोग कर क्या रहे हैं, बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं। ये हो गया 10+2 स्कूल, पानी टंकी, ब्लॉक, और ये रहा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट, ये हमारा मदरसा इस्लामिया जिसमें साकिब भाई ने साकिब भाई कहाँ पढ़े हैं जी, साकिब भाई तो पहली बार ये मदरसा देख रहे हैं। साकिब भाई का मदरसा भी एक दिन आपको विजिट कराएंगे इंशाल्लाह, एकदम खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि फिलहाल गांव में पहुंच चुके हैं और जोहर का वक्त जा रहा है अब हम लोग का, तो फिलहाल हम लोगों को जो है जोहर पढ़ लेने से क्या हसन भाई, हाँ बिल्कुल, फिलहाल वजू करते हैं देन उसके बाद पढ़ते हैं नमाज, ठीक है। ये गेट है ना, और ये वजू खाना वगैरह, अच्छा उस साइड एक गेट, बट टाइम से हो गया ना, पूरा ठंडा हो रहा है एकदम, सही है, मस्जिद काफ़ी शानदार, हाँ हाँ। गए थे फिलहाल जो है नमाज वमाज पढ़ करके हसन भाई के गांव से हम रुख्सत हो रहे हैं और चल रहे हैं अपने घर की तरफ। क्या हसन भाई, मतलब हसन भाई के घर पे आए थे, चाय वाय एकदम बढ़िया से हो गया है, एम से पूरा ना, पूरा एम से यहाँ से पूरा एम से है ना, ये ट्रक जा रहा है काफ़ी खतरनाक। फिलहाल मैं घर पर आ गया हूँ और थोड़ा दूर है सेंटर आप लोगों को, जैसे जैसे मैं बताया हूँ आप लोग उस हिसाब से चले जाना, ठीक है, और रास्ते में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, एक चीज आप लोगों को मैं बताया यार कि देख लो वहाँ पर ना ही तो कोई फोटो स्टेट का कोई शॉप है और ना ही आपको जो कुछ खाने पीने के लिए मिलने वाला है, तो आप लोग सारा इंतजाम यहीं से करके जाओगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं घर पर आ गया हूँ और आई होप कि आज का जो मेरा ब्लॉग था आपको पसंद आया होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ऐसे ही मिलता है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।